हिमाचल सरकार में हमारे भाई हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से और उन्ना से पहली बार उप मुख्यमंत्री बने मुकेश अग्निहोत्री जी, विधानसभा में हमारे सबसे यंग विधायक चुनकर आए चैतन्य शर्मा जी, सुदर्शन बबलू जी, देवेंद्र भुट्टो जी, उन्ना से हमारे छोटे भाई और कांग्रेस के प्रत्याशी जो किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत सके सतपाल रायजादा जी, लेकिन हमेशा उन्ना की समस्याओं को लेकर, उन्ना विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के बात को लेकर हमेशा वैसे लड़ते भी रहते हैं और काम भी करवाते रहते हैं। जिला उन्ना के हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजीत राणा जी, हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे निगम भंडारी जी, एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष चतर सिंह जी मंच पर विराजमान, सभी विवेक शर्मा जी पूर्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुदीप कुमार जी, सभी मंच पर विराजित सम्मानित हमारे अतिथिगण, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सेवा दल विजय डोगरा जी, सभी सम्मानित युवा साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, एक साल पहले आप लोगों ने एक इतिहास बनाया और वो इतिहास हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बना, जब एक ही संसदीय क्षेत्र से पहली बार आजादी के बाद मुख्यमंत्री बने और उन्ना विधानसभा क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री बने। और जब हमारे सामने चुनौतियां आई, मैं उप मुख्यमंत्री महोदय एक महीने तक उन चुनौतियों का कैसे सामना करते रहे, करना है इसका अध्ययन करने लगे। हमें पता लगा कि सरकार तो बन गई है लेकिन सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है। अधिकारियों से बैठक हुई और तकरीबन जब हमने देखा कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है, मैं और मुकेश अग्निहोत्री रात के 12-12 बजे तक बैठे रहे, सब विभागों को खंगाला और पाया कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबता जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री जी ने व्हाइट पेपर रखा, उसमें किस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश की है उसका पूरा व्याख्यान उसमें किया गया। और इस सभा में जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, ऐसी हालात में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को पहुंचा दिया कि आज आपके सर पर जितने भी लोग यहां बैठे हैं 1,02,000 रुपए का कर्जा है। ये मत सोचिए कि ये मुख्यमंत्री और सरकार है, ये आप ही के पास से निकलेगा, ये आप ही की जेब से निकलेगा, लेकिन सरकार कैसे चलनी चाहिए और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने और हिमाचल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, किसान की वो फसल का मूल्य कैसे अच्छा मिले, महिलाओं को कैसा सम्मान मिले, पूरा एक महीने हम दोनों लोग चर्चा करते रहे और अंत में हमने ये कहा कि हमें कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे।
और उन फैसलों का आधार आम जनता और गरीब जनता ना होकर जो हमारी संपदा को लूट रहे हैं उनसे उन पैसों का हकदार हिमाचल की जनता है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने वो लड़ाई शुरू की है और कैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में कैसे काम कदम उठाए जाए, तो आज ऊना जिला से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा रास्ता है वो तय किया जा रहा है। पहला आजादी के बाद का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी नींव मैं आज रखने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट ऊना में आ रहे हैं। मुकेश जी ने मेरे ध्यान में लाया, राजादा जी भी मिले कि काफी समय से पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में बनना है। 5 साल पहले घोषणा हुई, फाइलों को खंगाला गया, एक भी चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लिखी। देखा गया एनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं थी, हमने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और एक हफ्ते के अंदर ऊना में पीजीआई सेंटर जो बनना था हेल्थ का उसको क्लीयरेंस को किया, जिसके कारण आज ये शुरू हो रहा है। 5 साल तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बल ट्रक पार्क वो कोई केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, वो हमने कंपटीशन किया, उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं। ये लोग फिर भी रुकवाने का काम कर रहे हैं, यहां आकर बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों माननीय उद्योग मंत्री जी यहां आए और उन योजनाओं की शुरुआत की गई। जिस दिन ऊना में बल ट्रक पार्क का कार्य शुरू होगा और बनकर तैयार होगा, तकरीबन 10,000 युवाओं को यहां रोजगार के अवसर मिलेंगे। यही नहीं, अब सरकार हमें चलानी थी और अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। प्रशासन के लिए कौन से रास्ते अपनाए जाए और कहां से धन लाया जाए, हमने उनकी चिंता नहीं की। हमने कहा हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल आने वाले 4 साल में बनाएंगे, उस दृष्टि से हम कार्य करने लगे। और सबसे पहले हमने जो पुण्य का कार्य किया, क्योंकि कोई भी सरकार बनने के बाद एक रिवाज है, सचिवालय में अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उन अधिकारी और कर्मचारियों के हमारी प्रेजेंटेशन होती है। हमने उस व्यवस्था को बदला और मैं अनाथ आश्रम गया, उन बालिकाओं से मिला, उनसे मैंने सीखा। और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून, जो भी अपनी माता को खो चुका बच्चा है, जो अपने पिता को खो चुका बच्चा है, जिसके माता पिता उसकी जिंदगी से चले गए, उनकी सबसे पहली योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। जब मैं प्यारी बेटियों को ये बांट रहा था तो मैंने उन बेटी से पूछा कि क्या आपको पता है क्या सुविधा मिलेगी, क्योंकि जो अनाउंस करने वाले थे वो नाम पुकार रहे थे। मैं बताता हूं उन बच्चों को क्या सुविधा मिलेगी। जो भी बच्चा पैदा होगा, मैं हर जगह बताता हूं, पैदा होने के बाद अगर उसके मां बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सारी देखभाल हिमाचल प्रदेश की सरकार करे। उसे अपने जिस तरह हम अपने परिवार में कोई बेटी होती है, कोई बेटा होता है, उसको पढ़ाते हैं,
उसी तरह सरकार उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा वहन करेगी। 18 साल से नीचे वाली बेटी बेटा 2500 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा प्रत्येक माह। उसके बाद 18 साल के बाद क्या करें? हमने कहा 18 साल के बाद भी जिस बेटी या बेटे ने अपने पिता और माता को खो दिया है, अगर वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है, उसकी मेडिकल कॉलेज की फीस भी और हॉस्टल की फीस भी सरकार देगी। यही नहीं, जब कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, प्रोफेशनल में चला जाता है, आईआईटी में चला जाता है, आईआईएम में चला जाता है, चाहे उसकी 2 लाख रुपए फीस होगी, उन अनाथ बच्चों की सरकार देगी। और जिस तरह हम अपने बच्चे को कॉलेज जाने के लिए जेब में कभी माता से कभी पिता से वो पैसे लेता है, कभी माँ उसको 500 रुपया या 100 रुपया देती है, हमने फैसला किया ऐसे प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक माह 4000 रुपए की मैसे पॉकेट मनी मिलेगी। उसे सर्दी के लिए कपड़ों के लिए 10000 रुपया मिलेगा, गर्मी के कपड़ों के लिए 5000 रुपया मिलेगा। उसे जिस तरह हम घूमने मंदिरों में जाते हैं, टूरिस्ट स्थलों पर जाते हैं, उसे घूमने की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी और वो बाई एयर उपलब्ध करवाएगी अगर बाहर जाना होगा, और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी मिलेगी। जिस बेटे की या बेटी की शादी होनी होगी उसको 2 लाख रुपया मिलेंगे। और अगर उसने अपना काम शुरू करना है, एक बेटी आई, उसने कहा मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, सरकार ने उसे 2 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया। अगर उसके पास जगह नहीं है, कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास जगह नहीं है, सरकार की तरफ से शहर में 2 बिस्वे और गांव में 3 बिस्वे जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, और उसे मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की उपलब्ध धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सरकार का पहला पुण्य कार्य। आर्थिक बदहाली के दौर पर भी हमने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है उसको करना है। 1,36,000 कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उसके लिए हमें कैसे फैसला करना है, यही अधिकारी है, यही डिप्टी कमिश्नर उस समय के लगे हुए हैं, यही एसपी उस समय के लगे हुए हैं, पर हम काम करना जानते हैं। हमने फैसला किया, कैबिनेट ने फैसला किया, 1 महीने बाद हमारी पूरी कैबिनेट मिली। पहले तो हम ही 2 ही थे, 1 महीने तक तो मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी थे, हम ही कर रहे थे। और हमने 1,36,000 कर्मचारियों का बुढ़ापे का ये दृष्टिकोण अपनाते हुए कि ये मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, हमने उन्हें एक ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अभी 11 महीने हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछली 5 साल सरकार थी उसने जनता को ठगा है। अब इनके जो सांसद भी आ रहे हैं वो भी जनता को ठग रहे हैं। हमने तो कर दिया, हमारी 2री घंटी दी, प्रत्येक विधानसभा में 4 स्कूल हम इंग्लिश मीडियम के बनाएंगे। मैंने फैसला किया और इस सरकार जो पिछली 5 साल थी, किस जगह पर हम शिक्षा के स्तर को ले गए, 5वीं का बच्चा 2री कक्षा की पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ सकता। ये गवर्नमेंट स्कूलों का हाल कर दिया पिछली सरकार ने। हमने फैसला किया कि शिक्षा में व्यापक स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, और हमने कहा प्रत्येक स्कूल में जो अगला एकेडमिक सेशन होगा उसमें सभी स्कूलों में इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक ही स्कूल का कैंपस है, प्राइमरी एजुकेशन का कैंपस एक ही कैंपस में है, एक अलग खिचड़ी बना रहा है और सीनियर सेकेंडरी का अलग खिचड़ी बना रहा है।
हमने इन नियमों में भी परिवर्तन कर दिया और आप देखेंगे कि आने वाले स्कूलों में, आने वाले समय में हमने एक क्लस्टर स्कूल की योजना बनाई है। एक ऐसा स्कूल आपके 300 मीटर के दायरे में होगा जहां सभी टीचर उपलब्ध होंगे, कोई भी टीचर वहां से अब्सेंट नहीं होगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में आज हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। कोई ज्यादा उसमें सुधार इन सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने इन 11 महीनों में यह फैसला किया गया। सीटी स्कैन, एमआरआई 20-20 साल हो गए खराब पड़ी हुई है, पेट स्कैन नहीं है। और आपको एक और मैं बात बता देना चाहता हूं, जब राय जादा जी कह रहे थे कि 5 गांव में कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का दूसरा ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां कैंसर के सबसे अधिक पेशेंट होते जा रहे हैं। इस दृष्टि से हमने स्टडी किया और जो पानी की योजनाएं हैं उसमें हम हाई एंड टेक्नोलॉजी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम उसमें लाने जा रहे हैं। इन्होंने उसको भी, उस सेक्टर का भी सत्यानाश कर दिया और अब जनता को ठगने लगे हुए हैं। 2020 में हजारों युवाओं ने, 2,29,000 युवाओं ने अपना JOIT का टेस्ट दिया। 2,00,000 से अधिक युवा साथी उसमें बैठे और 2020 से हमारी सरकार ने थी, इनकी सरकार थी, वो न्यायालय में घूमते रहे। हमारी सरकार ने अच्छे वकील करने के बाद खुद मैंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उस 817 पोस्ट गार्ड का रिजल्ट 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उन युवाओं के हक में करवाया जो पिछले 4 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, एक और रिजल्ट 949 पोस्ट गार्ड नंबर, जो 295 उसमें हमने JOIT भरने थे, पहले बारे में हमने 1867 भरने थे, वो भी 4 साल से लटकाया। हमने सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ाई भी जीती, अब उनको जल्दी ही रोजगार मिलने वाला है। 5 साल में ये सरकार, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार थी, आंखें बंद करके रहे। 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला हो गया, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक होते रहे, पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हुआ, क्रिप्टोकरेंसी घोटाला हो गया, लेकिन इस सरकार के काम में जू तक नहीं रहेंगी। और आज इन सब चीजों के बाद भी जनता को ठग रहे हैं। हमने इन सब चीजों से लड़ने का निर्णय किया है। हम जानते हैं कि गांव के आदमी को किस चीज की जरूरत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हिमाचल में हम वो योजनाएं लाने जा रहे हैं जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन हम वो योजनाएं अपने उसी आर्थिक संसाधन पर ला सकते हैं जितना जेब में पैसा है। आज हमारी कमाई अगर 100 रुपया है, खर्चा 170 रुपया है, 70 रुपया हम उधार उठाते हैं। इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। और ये लोग आए दिन हमसे सवाल पूछते हैं, हमारी गारंटियों के बारे में पूछते हैं। हमारे गारंटी पत्र में 10 गारंटियां हैं, 7 में से 3 गारंटियों को हमने पूर्ण कर दिया है। अभी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए तीसरी जो गारंटी है वो 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना का प्रथम चरण हमने शुरू कर दिया है। जो भी बच्चा ई टैक्सी लेगा, युवा साथी, अगर 20 लाख रुपए की टैक्सी होगी, क्योंकि हम अपने पर्यावरण के साथ भी समझौता नहीं करना चाहते, हमने कहा कि 20 लाख की टैक्सी में
हम 10 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान देंगे। ये पहली योजना शुरू हो चुकी है। दूसरी योजना हिमाचल के युवाओं के लिए आने वाली है, जिसके पास जगह है। आज हमारे, मैं देखता हूं पूरे देश में जाता हूं तो मुझे हिमाचल का युवा साथी मिल जाता है। किस काम में लगा हुआ? कई बार थिएटर के काम में लगा हुआ। मैं पूछता हूं कि कितने पैसे मिलते हैं? 15,000 रुपया। कहां लगा है? बेंगलोर, हैदराबाद, 15,000 के लिए। हमने एक योजना इनके लिए बना रहे हैं, जिनके पास जगह है, कि जिसके पास 6 करनाल जगह होगी उसमें 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और 25 साल तक उसकी बिजली हिमाचल प्रदेश सरकार की देगी, ताकि उसकी जेब में पैसा आए। ये 500 किलोवाट की योजना जल्दी ही हमारी दूसरी स्टार्टअप योजना के तहत आने वाली है। तीसरी, किसान की खेती कैसे आय बढ़े? आज किसान खेती से क्यों विमुख हो रहा है, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है कि किस प्रकार किसान, जिसने पशु पाल रखा है, उसके दूध का उचित मूल्य मिले। जो वो कनक उड़क उगा रहा है, अगर वो नेचुरल खेती में उगा रहा है तो उसे कितने पैसे मिलने चाहिए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य करने की कोशिश कर रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये सब योजनाएं आने वाले समय में आपके पास आएगी। युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं का आप लाभ उठाइए, घर बैठ के पैसा कमाइए। ये सरकार की एश्योरेंस होगी कि आपके घर में, अकाउंट में पैसा आए। इसके साथ तकरीबन 10,000 नौकरियां तो आईपीएच विभाग में इस वर्ष निकलने जा रही है। 2,061 वन मित्र हम नियुक्त करने जा रहे हैं। 7,000 लेक्चरर, टीजीटीए, आर्ट्स, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल शास्त्री के पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है। ये सब कार्य हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हिमाचल के युवाओं को रोजगार सरकार में भी मिले। यही नहीं, जब हमने देखा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में, हमीरपुर जिले में था, 4 साल से पेपर लीक हो रहे थे, बिक रहे थे। जो मेरिट वाला बच्चा था, उस मेरिट वाले बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी किसको मिल रही थी? जिसने पेपर खरीदा हुआ था। हमने उसको भी भंग किया, उस पर भी चोट की। पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में राज्य चयन आयोग में जो पेपर होंगे उसमें पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होगी। ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है। अभी हमने पिछले कल ही कैबिनेट में 1230 स्पेशल कमांडो फोर्स की हमने नियुक्ति करने के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें 30% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये सरकार की कमिटमेंट है। ये सब चीजें आने वाले समय में हिमाचल के लोगों के उत्थान के लिए है। हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में आई। मुझे प्रत्येक क्षेत्र में जाने का मौका मिला। कुल्लू में अथाह तबाही हुई, ऊना में तबाही हुई, 16,000 घरों को नुकसान पहुंचा, 4,000 घर पूर्णतया पक्के क्या, कच्चे क्या नष्ट हो गए। मैं जानता हूं हिमाचल के लोगों का, आम आदमी का दर्द मैं जानता हूं। बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, पाई पाई छोड़कर जब घर बनाया जाता है और इस आपदा में वो बह जाए, नष्ट हो जाए, सारा सामान उसमें रह जाए, सिर्फ अपनी जान बचाई, कई जगह तो जाने भी हमें छोड़कर चली गई। 500 के करीब लोग मौत के शिकार हुए। हमने उस आपदा की लड़ाई को लड़ा और ये इस आशा के साथ कि केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर है, वो मदद करेंगे। जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव आया, पहला बार हिंदुस्तान का ऐसा विधायक दल है
जो हिमाचल के लोगों के साथ आपदा में भी नहीं खड़ा हुआ, और जबकि विधानसभा में प्रस्ताव भी वो लाए, हमने उसे सरकारी संकल्प मान लिया। और जब उन लोगों ने हिमाचल के लोगों का जो आपदा से प्रभावित परिवार के साथ नहीं दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो सिर्फ राजनीति करने आते हैं, आप लोगों की सेवा करने नहीं आते। एक भी एमपी बता दीजिए यहां का, तीन भारतीय जनता पार्टी के एमपी चुन करके 16,000 घर को कोई कम नहीं होते, 60 घर तो 62 घर तो उन्नाव में बह गए, 350 घर तो यही आंशिक रूप से कष्ट हुए। कभी गृह मंत्री से मिलकर ये मांग की कि इन्हें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए, एक भी सांसद ने नहीं की। आज वो बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं, वो सिर्फ चुनावों के समय आपसे वोट मांगने आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, इन सवालों का जो मैंने इस मंच के माध्यम से बोला है, आप उनसे पूछिए, क्या आपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था? आप नहीं खड़े हुए, और आज आर्थिक बदहाली, आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के बाद भी हमने 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दिया। आज जितनी आईपीएच की स्कीमें हैं, जितनी सड़कें हैं, हमने उनको बहाल किया, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो नियम थे इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, हमने उनको भी तोड़ दिया। क्या नियम थे? पूरी तेरा घर जो नष्ट हो जाएगा उसको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, आंशिक रूप से जो घर नष्ट हो जाएगा उसे सिर्फ 5,000 रुपया मिलेंगे। हमने अधिकारियों की बैठक ली, कहा इन नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई हम जानते हैं जिसका घर टूटा है, ये नियमों में भी परिवर्तन करना होगा और कानून में भी परिवर्तन करना होगा। और इस दृष्टि से आज जो आपदा प्रभावित परिवार यहाँ आए हैं, उन्नाव में कम नुकसान हुआ होगा, उनको हम 7 लाख रुपए की पहली किस्त देने जा रहे हैं, 3 लाख रुपए की पहली किस्त देने जा रहे हैं, और उसके घर के लिए अगर किसी का कच्चा मकान भी रह गया है तो मैंने ये निर्णय लिया उस कच्चे मकान, चाहे वो 2 लाख में बना है, उस कच्चे मकान वाले को भी हम 7 लाख रुपया देंगे। मुफ्त पानी का कनेक्शन देंगे, मुफ्त बिजली का कनेक्शन देंगे, और 280 रुपए के हिसाब से प्रति मिनट की बोरी देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है जिसके घर रह गए। अभी एक और योजना हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी व्यवस्था को थोड़ा सुचारू किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्ना हमारा घर है और हम अपने घर में अपने लोगों से एक ही आशा रखते हैं, आपका विश्वास, आपकी ताकत जब तक हमारे साथ बनी रहती है हम फैसले लेने में सक्षम होते हैं, हम दिशा तय करने के लिए सक्षम होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए, 5 साल के लिए सत्ता मिल गई, हमें तो अब अपना देखना है, अपने परिवार का देखना है, अपना देखना है। नहीं, हम इसके लिए नहीं आए हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो मेरे मन में एक कमिटमेंट होती है कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक, हमेशा हर बैठक में कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश की जो युवा पीढ़ी खड़ी है इनका भविष्य कैसे सुनहरा हो। 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदू 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। इस दिशा में सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया। ये हम भाषण से नहीं कह रहे, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, और इस दिशा में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, मंत्रीगण के अन्य सदस्य हैं,
रोज हमारी चर्चा होती रहती है। मैं हमारे जो मुख्यमंत्री मुकेश जी है, ये जो भी दिशा निर्देश देते हैं, ये कई बार दिशा निर्देश हमें देते हैं कि हम सब लोग मंत्रिमंडल की बैठक में बैठते हैं, हम सब लोग सोच विचार करके उस पर अमल करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनता की पीड़ा क्या है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं आम परिवार से निकल कर आया हूं, आपके दर्द को भी जानता हूं, आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, और उसको दूर करने की क्षमता भी हमारी सरकार रखती है। मुकेश जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। सभी विधायक उन्ना के आप जीत कर आए हैं। सतपाल रायदा जी, दुर्भाग्यवान जी, नहीं जीत पाए। कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है, लेकिन हमारे लिए तो उन्ना विधानसभा क्षेत्र के यही विधायक है। इनके हारने का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन मुकेश जी के उप मुख्यमंत्री बनने का और चारों सीटों आने का हमें बहुत खुशी भी है, क्योंकि उसमें सरकार बनने में आप लोगों का बहुत योगदान रहा है। अभी सभी विधानसभा क्षेत्रों को मैं दौरा करूंगा। भुट्टो जी बैठे हुए थे कि अब मेरे क्षेत्र में कब आना है, बबलू जी है, चितन्या जी, ये सब क्षेत्रों में हम जाएंगे। आप तो घर के सदस्य हैं, अब लोकसभा चुनावों में आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं। 5 सालों में इनसे पूछिए कि कोऑर्डिनेट सिलेक्शन घोटाला किसके समय हुआ, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, पुलिस पेपर लीक घोटाला किसके समय हुआ, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, पिछले कई सालों से माइनिंग घोटाला चल रहा था, 100 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला हुआ, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्रिप्टो करेंसी घोटाला हुआ, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। ये एक्शन नहीं ले रहे थे, ये अपने कैडर के और अपने परिवार के लोगों की नियुक्तियां करवा रहे थे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम गरीब और जो योग्य आदमी होगा उसकी भर्ती करेंगे। और अनुराग ठाकुर जी से भी पूछिए कि उन्ना से हमीरपुर के लिए ट्रेन कब चलेगी, कब वो छुप छुप करके हमीरपुर पहुंचेगी और आप बैठकर हमसे मिलने वहां भी आएंगे। ये सब चुनावों के वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम चुनाव की दृष्टि से राजनीति नहीं करते और ना सेवा करते हैं। हम राजनीति में सेवा भाव से आए हैं। 2-3 साल में आप लोगों की तकदीर बदलेगी, ये निश्चित है। और जो ग्रंटियां हमारी महिलाएं बैठी है, सबसे पहले उन महिलाओं को हम देना चाहते हैं जो विधवाएं हो चुकी है। और सब जिलाओं में हमने एक एक ग्रंटी का, जैसे कि मुकेश ने कहा है, हम रात दर्द निभाना चाहते हैं, हम जानते हैं हम उसको निभाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप तो 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोए रहे और ऐसी प्रजा मिली कि लूट लूट होती रही और आप आंखें बंद करके सोते रहे। हम ना तो प्रदेश की संपदा को लूटने देंगे और ना ही लुटाने देंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारी जो संपदा है उससे हम आय अर्जित करेंगे और आम आदमी के बीच में, आम परिवार के बीच में, गरीब किसानों के बीच में हम उस संपदा को बांटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। इस आशा के साथ आत्मनिर्भर हिमाचल क्या जो पहला पड़ाव है वो आज उन्ना से शुरू होने जा रहा है और 4 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी हमारे बड़े भाई है, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। कई लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कई लोग राजनीति में कई प्रकार की बातें करते हैं, हम लोग मिलजुल कर बात करके आगे बढ़ रहे हैं। और उन्ना में अभी IIIT में एक ही कदम प्रस्ताव लाए हैं कि वहां IIIT से के कोर्स हिमाचल के लोगों के लिए होने चाहिए, हमारी सरकार उस पर भी विचार कर रही है। और रायजादा जी ने जो बायपास के सड़क की बात की है, उस बायपास की सड़क का हम सर्वे करवाएंगे। और पानी की योजनाओं में मुकेश जी ने बोला मैं सब कुछ कर दूंगा, आपने हाँ करनी है। मेरी तरफ से मुकेश जी हाँ करना आपने।
पानी सिवरेज सब कुछ आपने करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।